सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे ये हाथ में ये क्या हुआ है एंड टांग में ड्रेसिंग वगैरह, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ डिटेल्स में। आज दानूर में जा रहे थे सिद्धियावाली साइड ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं चला रहा था बाइक एंड मैंने गोप्रो वगैरह लगाया हुआ था, मेरा ब्लॉग शूट हो रहा था। एंड हम जैसे ही सिद्धियावाली साइड जा रहे थे तो हमें मेहरा भाई का कॉल आया। मेहरा भाई KTM के शोरूम में थे। मेहरा भाई ने बोला तुम KTM के शोरूम की तरफ आ जाओ, हम वहीं पर मिलते हैं। नाजिम और अयान वगैरह भी नरवाल में थे जो अपनी गाड़ी को टायर वगैरह डलवा रहे थे। तो हम जा रहे थे एंड हमें अचानक से पीछे से गाड़ी ने हिट किया, तो हमें मतलब उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ कहने हुआ, क्योंकि हम बहुत देर तक रगड़ते रहे। एंड जब मैं उठा तो मेरी पूरी टांग मतलब कट चुकी थी एक हिसाब से ना, मतलब जो अंदर से बोन वगैरह थी वो दिख रही थी एंड हाथ वगैरह पूरा छिल गया था। एंड मैं बैक वाली साइड से रगड़ते हुए गया तो बैक वगैरह पूरी मेरी रगड़ गई हुई थी। मैं अभी आपको आगे वाली क्लिप्स में दिखा देता हूँ मेरी क्या हालत थी। मेहरा भाई वगैरह आए, मेहरा भाई वगैरह ने हमें वहाँ से लिया एंड हॉस्पिटल पहुँचाया, मेहरा भाई, नाजिम, अयान वगैरह। एंड फिर मेरी फैमिली आ गई और दानू भी था मेरे साथ, तो दानू को भी अच्छी खासी लग चुकी थी। तब तक दानू ने अपने पापा को फ़ोन किया एंड वो भी मतलब भद्रवाह से आ गए उसी वक्त जम्मू के लिए एंड हॉस्पिटल वगैरह में पहुँचे। अब आप सोच रहे होगे कि जिसने टक्कर मारी वो कौन था, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने रिपोर्ट वगैरह करवा दी है पुलिस में। जैसे ही मतलब पुलिस को ढूंढ लेगी, क्योंकि कुछ क्लिप वगैरह एंड वहाँ पर CCTV फुटेज वगैरह भी निकल जाएगी, जैसे ही वो हमें मिलेगी उसके बाद हम आपको वो चीज़ें दिखा देंगे एंड वो चीज़ें बता देंगे कि बंदा कौन था, क्या था, कि मतलब किसी ने जानबूझ के मारी है या गलती से हुआ है। बट इतनी ज़ोर से हिट हुआ है कि मतलब आप हालत देख ही सकते हो। और ये देखो दानू की हालत भी देख ही लो एक बार। मेहरा भाई वगैरह बेचारे पूरे दिन से, मेहरा भाई, नाजिम, यासिर तो बाद में आया था, अयान वगैरह पूरे दिन से हमारे साथ थे वहाँ पे, पूरे दिन भर खजल होते रहे। तो अभी मैं आपको ना आगे वाली क्लिप्स दिखाता हूँ, आगे वाली क्लिप्स देखो कि मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद और क्या हुआ। एंड मेरे को ना अभी यहाँ पे मतलब प्लास्टर तो हुआ ही है, उसके अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं, उसी से टांग भी हिला नहीं पा रही। टांग में लगभग 20-25 स्टिचेस लगे हैं, क्योंकि मेरे को ना दो जगह जख्म हो गया था, एक जगह यहाँ पे और एक जगह नीचे। फिर वो जो मतलब कि मतलब मेरी स्किन थी ना, जो मीट था वो वाली साइड का, वो भी डॉक्टर्स ने काट लिया क्योंकि वो मतलब बहुत अलग हो गया था। पीछे वाली हड्डी है ना टांग की, वो तक दिख रही थी, मतलब इतना गंदा हो गया था। एंड डॉक्टर्स परेशान थे कि ये क्या हो गया है। फिलहाल हमने सारा कुछ करवा दिया है, अभी तक तो मतलब ट्रिप लगी हुई थी मेरे को, जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। एंड अब आप सोच रहे होगे कि ये ब्लॉग कितने बेशरम है, ब्लॉग वगैरह क्यों बना रहे हैं। गाइस, क्योंकि हिट एंड रन का केस है, इसलिए हम अपने सबूत के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हम थोड़ा रिकवर करें फिर पुलिस ढूंढे और वो हम पे कुछ गलत एलिगेशन लगा दें, उस वजह से हम अपना सबूत सारा अपने पास लेके चल रहे हैं। मैं आगे आपको अभी नहीं दिखाऊंगा वो क्लिप्स कैसे क्रैश हुआ, मेरे पास सारी क्लिप्स पड़ी है, सब कुछ है उसमें, पर वो मैं अभी आपको मतलब ना आगे कुछ दिन बाद दिखाऊंगा, क्योंकि अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। जब तक सब कुछ चीज़ें मतलब ना थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो फिलहाल गाइस इतना ही बोलूंगा कि अभी सपोर्ट करो, अभी आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देख सकते हो जख्म कितना ज्यादा है, पूरी कमर में रगड़ हो गई है, और जो यहाँ पे और हाथ में आप जख्म देख रहे हो ये अभी एंटीबायोटिक से साफ कर लिया हुआ है, अभी एक्सरे करने के लिए दिया हुआ है। एक्सरे के बाद फिर मेरे को यहाँ पे स्टिचेस लगेंगे, और जख्म आपको पता है जितने बड़े बड़े हैं तो स्टिचेस काफी ज्यादा आने वाले हैं। एंड अभी मैंने कैमरा में रिकॉर्डिंग भी चेक की अपने की किसने गाड़ी में टक्कर मारी है, तो हमारे अभी गाड़ी जिसकी दिखी है अभी पूरा एक्सरे करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी निकलते हैं, मैं फिर आपको सारी डिटेल में बताता हूँ बाकी कैसे हमारे साथ क्या हुआ कैसे हुआ। आराम से रख यार, बहुत ज्यादा हालत खराब। आप बोल रहे होंगे कि ये पागल हुए लड़के, इन्होंने मतलब इतनी लग गई इन दोनों को, और ऊपर से आज भी व्लॉग ही बना रहे हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये यही है कि यार जो हम बोलो यार जो मैं तो गाइस हम लोगों ने व्लॉग बनाना नहीं था, क्योंकि आपको पता है हम घर से निकले थे व्लॉग बनाने को, हमारा कैमरा ऑन था,
हमारे साथ हिट एंड रन का सीन हुआ, इसलिए हम व्लॉग बना रहे ताकि कुछ भी हो तो आगे हमारे पास सबूत रहे। उस वजह से हमें ये व्लॉग डालना पड़ रहा है क्योंकि अभी पुलिस केस भी होगा, हमने भी पुलिस के कंप्लेन वगैरह करवानी है। तो अभी एफ आई आर दर्ज कराने जाएंगे, जैसे ही मेरे टांगों में स्टिचेस वगैरह लग जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे एफ आई आर वगैरह करवाने। हमने कोई भी मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनानी थी, बट इसका यही मतलब मेन रीज़न है जो हमारे साथ मतलब इंसिडेंट हुआ है ना, वो आई थिंक यहाँ तो ज़बरदस्ती हुआ है, मतलब करवाया गया है। उस वजह से हमें व्लॉग वगैरह बनाना पड़ रहा है, मतलब एज ए सबूत समझ लो आप, जो भी समझ लो उसे बना रहे। बाकी आप कंडीशन तो देख ही सकते हो प्रॉपर, तो वरना इस हालत में इस हालत में कोई पागल ही होगा जो व्लॉग बनाएगा, बट हमें मजबूरी है करना क्योंकि हमारे साथ जो सीन हुआ है वो नहीं है। हम आपको बताएंगे सारा सीन, मैं बताऊंगा, बट अभी मतलब ना कुछ भी बताने के काबिल नहीं है। वो सारा सिस्टम आपको कभी बताऊंगा विद प्रूफ, जो भी हुआ, जो भी सिस्टम हुआ, क्या हुआ, हिट एंड रन हुआ, कौन सी गाड़ी थी, क्या था, जो भी है वो सब आपको बाद में बता दिया जाएगा। जो होगा सब देखेंगे, पूरा जम्मू देखेगा। और साथ में जो बाइक थी हमारी एक, वो बिल्कुल टोटल लॉस हो चुकी है, तो वो भी अभी हम आपको दिखा नहीं सकते। तो भी मतलब जो भी सीन हुआ है वो आपने देख ही लिया। अभी मेरे को स्टिचेस लगने हैं, अभी खाली ड्रेसिंग की है इन्होंने ताकि ब्लड वगैरह रुके, तो अभी स्टिचेस लगने हैं मेरे को। तो बाकी आप